क्या कहना चाहेंगे जो आपको कार्यभार सौंपा गया है, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी व्यापारियों के लिए? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अजय जोशी ग्राम पंचायत कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा प्रोफेसर राम कुमार जी, वाइस चेयरमैन HPSIDC और हमारे व्यापार प्रकोष्ठ जिला प्रधान विजय कौशल जी, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, राज्य वित्तीय अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, सभी MLA महामंत्री, जिला भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और हमारे महामहिम हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने मेरे को इस जिम्मेदारी के लायक समझा। आपने पूछा कि मैं व्यापार प्रकोष्ठ हरोली मंडल अध्यक्ष बनने के बाद मेरी जिम्मेवारी क्या है। मेरी जिम्मेवारी मेरी पार्टी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। छोटा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, सबको बताना है कि हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। जैसे अभी अभी अखिल व्यापार भारतीय संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलकर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छोटे व्यापारियों को लेकर बहुत ही चिंतित है। इस चिंता के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि व्यापारियों का उसको लाभ बताना है। और मैंने जन जन तक आपको मैं उदाहरण के तौर बता दूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमारे को आसान रूप से बिना गारंटी से लोन उपलब्ध है। ये तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक शिशु लोन, इसमें 50,000 का लोन मिलता है। नंबर दो किशोर लोन, इसमें 50,000 से 5,00,000 का लोन मिलता है। नंबर तीन तरुण लोन, तरुण लोन 5,00,000 से 10,00,000 तक हमारे व्यापारियों को लोन मिल सकता है। इसमें कोई भी इतनी बड़ी बोलते फाइल खर्चा यो बैंकों ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष के तहत ये लोन हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय 26 बैंकों में इसका प्रावधान है और निजी बैंक चिन्हित निजी बैंकों में भी ये लोन उपलब्ध है। इसमें स्वरोजगार युवाओं के लिए जैसे टैक्सी लोन है, अमूमन हम टैक्सी लेते हैं तो उसमें 15-16% ब्याज दर लगती है। वो टैक्सी लेने के लिए भी हमारे युवा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत लोन ले सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर 12% है, मगर 12% सबको नहीं लगेगी। 12% में भी बैंक तय करेगा, रूरल एरिया तय करेगा कि कितने परसेंट ब्याज लगना है और कोई फाइल खर्चा नहीं है। इस स्वरोजगार के लिए और प्रधानमंत्री जी ने अभी ये भी ऐलान किया है कि हर एक बैंक में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का अलग काउंटर उपलब्ध होगा। कुछ समय बाद हर एक बैंक में आप जाइए, फॉर्म भरिए, आपका उस बैंक में खाता है तो आप लोन को अप्लाई करें, बैंक आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक आपको लोन दूंगा। बाय द वे आपका उस बैंक में खाता नहीं है तो आप उसी वक्त प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत उस बैंक में खाता खुलवाइए और लोन के लिए अप्लाई करिए। नंबर दो, प्रधानमंत्री ने लघु मानधन पेंशन योजना का भी प्रावधान किया है। ये किन के लिए? ये भी छोटे व्यापारी के लिए है, खुदरा व्यापारी के लिए है, जिनकी जिनका टर्नओवर सालाना 1.5-2 लाख, इट मीन हमारी जैसे बोलते हैं ना आई चलाई दुकानदार, उसके लिए भी है। उसमें 60 साल की उम्र के बाद हर एक व्यापारी को न्यूनतम 3,000 पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसका कैसे करना है? 18 से 40 उम्र के युवा दुकानदार
अपना पंजीकरण, अपने व्यापार का पंजीकरण सुविधा सेंटर या साझ केंद्र पर करवाएं, और उसके बाद आपका 60 साल होने के बाद न्यूनतम 3000 पेंशन, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको न्यूनतम 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यापारी, कोरोना काल में तो देखो सारा दुनिया क्या, सारा हिंदुस्तान क्या, सारा दुनिया ही प्रभावित है कोरोना काल से। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बॉर्डर वगैरह खोल दिए हैं, अभी आने जाने की सुविधा हो गई है, व्यापार भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कोरोना के प्रिकॉशन के तहत, उसी उस हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। बाकी जो भी सरकार करेगी व्यापारियों के लिए, हम व्यापारियों की शिकायत लेंगे, व्यापारी जो बताएंगे हम अपने प्रोफेसर राम कुमार जी को बताएंगे और वो सरकार में बताएंगे और उसका प्रावधान मिलेगा। हम व्यापारियों के कड़ी का रूप का काम करेंगे और अपनी सरकार का की हुए कारनामे योजनाओं का, ये तो है ही, हिमाचल का आय साधन है टूरिज्म, ये तो हमारी मजबूरी है हमारी सरकार की कि हमारे लोग आश्रित हैं टूरिज्म पे। अगर टूरिज्म ही बंद हो गया तो हमारा तो फैक्ट तो है ही, हमारे को अभी अपने आप खुलेगा, व्यापारियों का भी काम चलेगा, सब काम चलेगा। अपने व्यापार का पंजीकरण सुविधा सेंटर या साझ केंद्र पर करवाएं, और उसके बाद आपका 60 साल होने के बाद न्यूनतम 3000 पेंशन, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको न्यूनतम 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बनाई है। बाकी अभी कोरोना की वजह से कोई मीटिंग वगैरह नहीं हो रही है, और हमारे प्रोफेसर राम कुमार जी भी कोरोना से प्रभावित हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ जो उनका आदेश होगा उसके अनुसार हम टीम बनाएंगे, जन जन व्यापारी के पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे और अपनी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। बस यही मेरा कर्तव्य, अपना निर्वहन करता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।